लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। एक अर्ज करता हूँ, उम्र आज से निकल गई तो क्या, मैंने कुछ रिश्ते समेट के रखे हैं, इस मतलबी दुनिया में कुछ अपने सहज के रखे हैं। एक ओल्ड एज होम में अपनों की कीमत क्या होती है, ये बताने आ रहे हैं डॉक्टर मनसुख हमीपुरा, मिसेस भावना हमीपुरा और डॉक्टर रमेश सिद्धपुरा। नमस्ते, मेरा नाम शर्मा है। ओह नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं यहाँ 7 दिन के लिए रहने आई हूँ। क्या है ना, बेटा ने नया घर लिया है, वो शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अच्छा, आपका बेटा क्या करता है? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। ओह, एक बार फोन लगा कर पूछ तो लूं, वो घर पहुंचा या नहीं। हेलो। हेलो बेटा। माँ अभी मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बेटा तुझसे बस इतना ही पूछना था, तुमने खाना खाया कि नहीं? माँ कहाँ ना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो क्या कहा आपने उनार बेटे ने? थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ, कहकर रख दिया उसने फोन। देखिए, सालों से मैं यहाँ हूँ, मेरी आंखों ने सब कुछ देख लिया है। आप जितनी जल्दी ये जगह अपनाएगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी बात करते हैं आप, मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी बुरी तो नहीं है, शांति है, सुकून है और समय सर खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भजन कीर्तन में अपना दिल लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रही हूँ, आप मुझसे जलते हैं। मेरा बेटा तो मुझको लेने आएगा लेकिन आपको कोई पुत्र तक नहीं है। हेलो बेटा। माँ अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊंगा, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। माँ कहाँ ना बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, बहुत जल्द आऊंगा। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। शारदा जी, आपको मेरी बात बुरी लगती है फिर भी मेरी बात मानो, इतनी उम्मीद पालकर क्यों रखी है? जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लियो। नसीब आपका बुरा होगा, मेरा नहीं। मेरा बेटा तो मुझको लेने आएगा ही, फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि मेरे बिना कैसे रह सकता होगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यही मानता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन मैं जानता हूँ इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ गया वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं जा सकता। शर्मा जी, क्या यहाँ ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अब भी मेरे बेटे को फोन करती हूँ,
देख लीजिएगा, वो मुझे आज ही लेने आएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, माँ वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ आप और कुछ दिन वहाँ मैनेज कर लो। मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको, ठीक है माँ? जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा। पैतालीस दिन बीत गए, फिर भी शारदा जी का बेटा उसे लेने नहीं आया। और एक दिन अचानक शारदा जी की तबीयत खराब हो जाती है। शारदा जी की तबीयत अच्छी नहीं लगती, मैं उसके बेटे को फोन करता हूँ। शारदा जी, फोन कट गया। एक काम करिए ना, मेरे बेटे की तस्वीर दे दीजिए ना। एक बार और ट्राई करिए ना। शारदा जी, फोन कट गया। शारदा जी, शारदा जी उठिए, शारदा जी उठिए। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। न जाने क्यों उम्मीद पाल रखी थी उन्होंने, उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है, दर्द मिलता है। अच्छा भूले जा। न जाने क्यों बच्चे छोड़ जाते हैं हमें वृद्धाश्रम में तिल तिल मरने के लिए। अरे कोई है, शारदा जी के बेटे को लेकर आइए और कहे एक हफ्ता हो गया हो तो आ जाइए और ले जाइए अपना सामान और उन्हें भी। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम सुनील है, मैं इस वृद्धाश्रम में नया आया हूँ। लो, एक गया नहीं एक आ गया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ 7-8 दिन के लिए आया हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। इसके पहले शारदा जी आई थी, वो भी यही कह रही थी, आप भी यही कहते हो। मैं आप सभी को यही कहता हूं कि अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। अपना जीवन अपनी तरफ बिताइए। हे भगवान, तेरे संसार की हालत क्या हो गई, कितना बदल गया इंसान। सालों से वृद्धाश्रम में यही चल रहा है। म्यूजिक।
थैंक यू। छोटी सी क्लिप के बाद मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, अपने घर में भी वृद्धाश्रम जैसा माहौल मत रखे, केम के गुजराती में कहेवत छे ने, वारा पछी वारो, तारा पछी मारो अने मैं पछी गारो। थैंक यू। मित्रों, आ ड्रामा करवामां केटली बधी मुश्किलियो पड़े छे, अमे लगभग 20-25 वार मैं प्रेक्टिस करेली छे, त्यारे आटलू अमे करी शक्या छे। જે લોકો કલાકાર આપણે મોટા મોટા ડ્રામા જોઈએ છે એમાં એ લોકોને કેટલા બધા પ્રેક્ટિસની જરૂરી હોય છે। દર વર્ષો વર્ષ આપણે ડોક્ટર્સ ડેમાં કંઈક નવું લઈ આવીએ છીએ। મારા ખ્યાલથી બહુ વર્ષો પહેલાં આવું કોઈ ડ્રામા કોઈ મેમ્બર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોય અથવા ન પણ કરેલું હોય પહેલાં IIM જેતપુરના ઇતિહાસમાં, તો અમિત્રા સાહેબ અને ભાવનાબેનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન।